अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं अलाइड एचएस पटवारी एसआई पुलिस कांस्टेबल एंटी क्लर्क टीजीटी टैट पंचायत साइक एचपी ऑल एग्जाम घर बैठ के आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में फुल सिलेबस कवर होगा, पीडीएफ एमसीक्यू रिटन नोट्स एवरी टॉपिक ओल्ड क्वेश्चन सेट वन लाइनर टेस्ट सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली आपके टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज हफ्ते भर में जो पढ़ा होगा देन वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट इंग्लिश मैथ रीजनिंग वीडियो लेक्चर पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी एचपीजी के मैथ इंग्लिश करंट अफेयर सब कुछ कवर होगा विद टेस्ट। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट दिस नंबर व्हाट्सएप नाउ। जनरल साइंस के इस लेक्चर में आज हम केमिकल नेम्स पढ़ेंगे, बाकी लेक्चर्स भी आने वाले हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन आइसोसाइनेट सोलेनिन या फिर कैसिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो लाल रंग रहता है वो होता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट सोलेनिन कैसिन या फिर करक्यूमिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आइसोसाइनेट। ठीक है, मूली का जो तीखापन रहता है वो आइसोसाइनेट के कारण यहाँ पे होता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट है यहाँ पे, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलेनिन कैसिन करक्यूमिन कैरेटिनाइज्ड। दोस्तों जल्दी से सोचिए, 3 सेकेंड्स अभी आपके पास हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सोलेनिन। जो आलू का हरा रंग रहता है वो सोलेनिन के कारण यहाँ पे होता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, सभी को क्लियर होगा, कैसिन करक्यूमिन कैरेटिनाइज्ड या फिर एमाइलेडिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कैसिन के कारण दूध का सफ़ेद रंग यहाँ पे होता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है, करक्यूमिन कैरेटिनाइज्ड एमाइलेडिन या फिर कैरोटीन। जल्दी से सोचिए, हल्दी का पीला रंग यहाँ पे बात की गई है, 3 सेकेंड्स आपके पास है। इसका सही आंसर होगा करक्यूमिन के कारण हल्दी का पीला रंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, तिलहनों के तेल में पीला रंग किसके कारण रहता है, ठीक है, जो तिलहन होते हैं उसमें जो पीला रंग रहता है वो उसके तेल में पीला रंग किसके कारण रहता है, ठीक है, कैरेटिनाइज्ड एमाइलेडिन कैरोटीन एंथोसाइनिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कैरेटिनाइज्ड, ठीक है, जो तिलहनों के तेल में पीला रंग रहता है वो कैरेटिनाइज्ड के कारण यहाँ पे रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, बादाम में कड़वाहट का कारण क्या रहता है, एमाइलेडिन कैरोटीन एंथोसाइनिन या फिर क्वेसिटिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है, एमाइलेडिन के कारण होती है, क्लियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपके बन सकते हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन एंथोसाइनिन क्वेसिटिन या फिर एमाइलेडिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण यहाँ पे गाजर का नारंगी रंग रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, सेब का लाल रंग किसके कारण रहता है, एंथोसाइनिन क्वेसिटिन कैप्सिसिन या फिर कैप्सिथिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण यहाँ पे रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, प्याज में लाल रंग किसके कारण रहता है, एंथोसाइनिन क्वेसिटिन कैप्सिसिन कैप्सिथिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, प्याज में पीला रंग किसके कारण रहता है, क्वेसिटिन कैप्सिसिन कैप्सिथिन या फिर कुकरबिटासिन। दोस्तों प्याज में जो पीला रंग रहता है, ठीक है, जब ये पीला रंग हो जाता है प्याज में, ठीक है, तो ये क्वेसिटिन के कारण ये रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण रहता है, कैप्सिसिन कैप्सिथिन कुकरबिटासिन या फिर मैमोडिकोसाइट। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कैप्सिसिन, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। मिर्च का तीखापन किसके कारण रहता है, कैप्सिसिन कुकरबिटासिन मैमोडिकोसाइट किसके कारण रहता है, ये सेम है, ठीक है। तो मिर्च का तीखापन जो होता है दोस्तों, वो कैप्सिसिन के कारण यहाँ पे रहता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है, खीरे का कड़वापन किसके कारण रहता है, कुकरबिटासिन मैमोडिकोसाइट कैरिंकजाथिन या फिर टैनिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुकरबिटासिन के कारण खीरे का जो कड़वापन रहता है वो होता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, करेले का कड़वापन किसके कारण रहता है, मैमोडिकोसाइट कैरिकाजेंथिन टैनिन कैप्सिथिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, करेले का कड़वापन मैमोडिकोसाइट के कारण यहाँ पे रहता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, पपीते का पीला रंग
किसके कारण रहता है? कैरिकाजेंथिन, टैनिन, कैप्सिथिन, मैमोडिकोसाइट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैरिकाजेंथिन, जो पपीते का पीला रंग है उसके कारण होता है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है आंवले का कसेलापन किसके कारण रहता है? टैनिन, कैप्सिथिन, मैमोडिकोसाइट, कैरिकाजेंथिन। जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंवले का जो कसेलापन है वो टैनिन के कारण यहाँ पे रहता है। अब दोस्तों आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।